अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और हॉरोस्कोप एक बार फिर आपकी खिदमत में। मौजूदा हफ्ता 15 फरवरी से 21 फरवरी 2010 का अहवाल बताने के लिए और इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में चार स्टार के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद की लियो। आपका हाकिम सारा शम्स यकम 18 फरवरी वबाल याफ्ता रहते हुए अपने असरात के तहत आपकी शादी में हायल रुकावटें दूर करने और समाजी हैसियत में इजाफा का बाइस बन सकता है, लेकिन आपकी सोच मुंतशिर रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी वरीज आपके जहन पे हावी रहेंगी जिन पे काबू पाना आपका अपना काम है, क्योंकि सितारों की तरफ से आपके लिए राह में कोई रुकावट मुजाम नहीं होगी। इसी दौरान अपने मुखलिस दोस्तों से मशावरत भी आप कर सकते हैं। 19 फरवरी से 28 फरवरी शम्स आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए विरासत का हसूल मुमकिन बना सकेगा, लेकिन फजूल खर्चे से गुरेज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप लेकिन मज़े की बात है कि सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, अगर आपका कोई शरीक ही आता है तो वो भी फजूल खर्ची का मुर्तकिब हो सकता है, आपको उसको भी बचाना है, अपने आप को भी रोकना है। 15 फरवरी शम्स नेपच्यून क्रान की वजह से जारी उमूर या मनसूबे मुकम्मल हो सकेंगे, अपने अखराजात पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा वरना आपके अखराजात बेतहाशा बढ़ सकते हैं। 15 फरवरी को ही कोई दोस्त आपके मामलात पर तनकीद करेगा, जिसे तहम्मुल से सुनना आपका फ़र्ज भी है और आपके वाजिब भी, क्योंकि ये आप ही के फ़ायदे के लिए होगा, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई बात नहीं कर रहा होगा, और इसमें से आपको अपने फ़वाद के हसूल के लिए जो कारामद बातों का इंतखाब भी करना होगा ताकि आप अपने आप को आगे ले जा सकें। 16 फरवरी को कारोबारी मामलात में आपकी शख्सियत नुमाया रहेगी, लेकिन कोई दोस्त मुश्किल का बाइस भी बन सकता है, यानी एक दिन के बाद अगर अगले दिन वही दोस्त या कोई और दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई मशावरत देगा, तो वो मुश्किल हो जाएगी, तो उस वक्त आपको अपनी कॉमन सेंस से काम लेना होगा। 17 फरवरी को आपकी कारोबारी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर हो सकेगी। 18 फरवरी एक मुसबत दिन होगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश करना आप पे है कि आप कितना कर सकते हैं। 19 फरवरी को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 20 को तफरीह सब पेश आ सकता है। 21 को तरक्याती कामों में रुझान रहेगा। बुर्ज संभला वर्गो 11 से 28 फरवरी अतारद आपके जायचा के 6ठे घर में मौजूद होगा, जिसके नाकस असरात की वजह से आपके मातहत आपकी हस्ब मंशा काम ना कर सकेंगे, जिससे आप जहनी तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। अपने जारी कामों की तकमील बरवक्त करने और कुछ नए मनसूबों को हतमी शक्ल देने की वजह से भी मौजूदा मनसूबों में रुकावट पैदा हो सकती है, जिससे लामहाला काम का बोझ बढ़ेगा और यह सारे का सारा बोझ आप ही के कंधों पर होगा, क्योंकि आप ही को सुपरवाइज करना है या इटसेल्फ अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर भी आप ही को ये भुगतना पड़ेगा। 15 फरवरी को सोच में वसत पैदा होने से आपको अपने कारोबारी हालात को एक नए जाविये से समझने में मदद मिलेगी और दूसरों से लेन देन के मामलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारी स्टार्ट की हासिल रहेगी। 16 फरवरी को दूसरों से वाबस्त वक्वात पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसका अमली इजहार या नतीजा आप तक पहुँचने में कुछ देर लग सकता है, जिससे किसी भी मरहल पर आप जज्बाती होकर मायूसी का शिकार हो सकते हैं। 17 फरवरी एक ऐसा मौका है जिससे आपको कारोबारी फ़ायदा होगा, किसी नए ताल्लुक की बुनियाद भी रखी जा सकती है। 18 फरवरी को करीबी अजीज़ों के मुतालिक सोच विचार में वक्त गुजरेगा। 19 को दूर दराज के मुकाम से कोई अहम खबर मिल सकेगी। 20 को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो सकती है। 21 फरवरी को सेहत का खास ख्याल रखना ज़रूरी होगा। बाकी मामला तो आपके जिस तरह कहा जाता है जो के तू चलते रहेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा आपका हाकम सारा दौरा 12 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक अपने शर्फी घर में दाखिल होगा, जिससे आपके बिगड़े हुए उमूर सुलझ सकेंगे, मौजूदा मुलाजमती उमूर मुस्तहकम होंगे और अफसराने बाला से भी पजीराई मिल सकेगी। माली उमूर भी आपके जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। 15 फरवरी जोरा प्लॉट और तस्दीक से शराकती उम्र में हिस्सा ले सकेंगे। एजेंट भी अफराद पर भरोसा करने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, खासकर दोस्ती करने में। 16, 17 और 18 फरवरी जोहरा मुश्तरी क्रांत से आप में सखाफत के जज्बात हो गए, बहुत सखी हो जाएंगे आप और आपकी दोस्ती जो है इसी वजह से बढ़ सकेगी। इसके अलावा कुछ नई दोस्ती भी आपकी डेवलप हो सकती है, उस्तवार हो सकते हैं नए ताल्लुकात भी, लेकिन आपको अपने रूहानी और फलाही कामों में जो आपकी दिलचस्पी पैदा हुई है उसको लेके आगे चलना है और उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। समाजी उमूर आपके मुस्तहकम रहेंगे और नए अहबाब से मुलाकात फ़ायदेमंद साबित होगी। तकरीबात का अहतमाम भी मुमकिन है। 15 फरवरी को आप करीबी लोगों के मसाइल को हल करने के काबिल होंगे। 16 फरवरी को रोमानी उमूर में जज्बाती परेशानी लाहक होगी। 17 फरवरी को बिजनेस के मामलों में किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन आपको मुहतात रहना होगा। 18 को टीम वर्क का नतीजा सामने आएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मुहावरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा प्रैक्टिकली कदम आप चूमने आ जाएगी आपके। 19 फरवरी को तफरी सफर जो है आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन गैर ज़रूरी खराजात यानी फजूल खर्ची से आपको ग्रेज करना होगा। 20 फरवरी को सिलसिला रोज़गार सफर पेश आ सकता है जो फ़ायदेमंद साबित रहेगा। 21 को रोमानवी माहौल साजगार रहेगा।
यानी रोमांस के लिए बेहतरीन दिन साबित होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपको हाकम सितारा मरीख तमाम माह आपके जायचा के दसवें घर में उल्टा रहते हुए मुआशी परेशानी और खाम खा की रुकावटें पैदा कर सकेगा, जबकि करियर में संजीदगी की जरूरत है। आपका ज़ैली अकम प्लूटो तमाम माह आपके जायचा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज व अकारब और बहन भाइयों से मुतलका उमूर में तवज्जो दिलाए रखेगा। 15 फरवरी प्लूटो दौरा तजदीद शराकती उमूर के लिए फायदेमंद साबित होगी। 15 फरवरी को ही मरीख सोहल तजदीद से कारोबारी उमूर फायदेमंद और कामों को मुकम्मल कर सकेंगे, यानी आपके जो जारी काम हैं उनको आप मुकम्मल कर सकेंगे, जबकि जज्बात पर भी आपका मुकम्मल कंट्रोल रहेगा। 23 फरवरी प्लूटो शम्स तजदीद से जिनसे मुखालिफ की कशिश बढ़ सकती है, माली ताकत के इजहार से गुरेज करिएगा, सियासी उमूर में मशावरत की जरूरत महसूस करेंगे। 15 फरवरी को मुलाजमत और सेहत के मामला ज़ेर बहस रहेंगे। 16 फरवरी को गैर मुतवक्को वाकयात के लिए तैयार रहिएगा। 17 फरवरी को शॉपिंग वगैरह का मौका मिल सकता है, फजूल खर्ची से गुरेज करना आपके अपने फ़ायदे में रहेगा। 18 फरवरी को घरेलू उमूर पर तवज्जो मरकूज रख सकेंगे। 19 फरवरी को शरीक हयात का तआवुन हासिल रहेगा। बच्चों के तालीमी मामलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको और नहीं कीजिएगा। 20 फरवरी को प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त कर सकेंगे। 21 फरवरी को खानगी उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा, जबकि आपके बिछड़े हुए या कुछ देर के बाद जो दूर थे आपके अजीज़ व कारबों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो इसके साथ ही दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ। ईमेल info@urdu.com रابطہ के लिए पाकिस्तान के सेल नंबर हैं 00923334286474 और 00923004081787 00924235784474। इसके साथ ही जो हमारा एड्रेस है वो भी आपको दोहराना चाहूँगा, ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग थर्ड लाहौर। इसके साथ ही दूसरे हिस्से से में भी आमिर मियाँ इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।